पंक्ति है, अधिकम पूछ दो तो मध्य पंक्ति के मध्य अक्षर, के सबसे नीचे, के ऊपर, के सबसे ऊपर, के समझ गया ना बात को, तो ये चीज कर मैं बात करता हूँ यहाँ से और के को
जब पंक्ति की बात आती है से के में किसकी, जब स्तंभ की बात आती है से एल के में किसके, पंक्ति की और स्तंभ की, किसकी पंक्ति और स्तंभ की बात आती है से और के, तो बताओ ये से और ये के और पंक्ति और जब बात आती दोनों की किसकी और जब बात आती भी करने क्या थी, तो इन तीनों का मतलब से और के का मतलब एक ही होता है और आपको पता है सब का मालिक साईं बाबा। क्या बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समझाऊं इसकी वजह देखिए गौर से सुनिए बात को, विकर्ण पंक्ति स्तंभ से के बताओ सुनिए जो कहा जाए से बात सुनिए, पंक्ति तो कब पहला सब अच्छा चीज से सीधे सीधे चलेगा चीज से सीधे, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा इसको साथ चलेंगे एक दो चीज से सीधे से जब बॉर्डर लगाया है तो सीधे सीधे किसको पहुंच गए एक पे, एक दो तीन बात समझ में आई है, आइए सर मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान देना, तो यहाँ पर एक दो जी के तीसरा इसको छोड़ दो तलाक दे दो एक दो जी के तीसरा एक दो तीन 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 जी के जी से तीसरा एक दो से जब बोला है वहां इतना सा लिखा रहता से और चुप गए ना सीधा आंसर सुनो और आंसर सुन के तो इससे बड़ी कोई चूक नहीं हो सकती, शायद इसके लिए माफी नाम भी नहीं मिलेगा तो से और के छोटी बातें बता रहा हूँ और मौन कर अब से के पिछले आपको मैं कौन से बताया कि तीसरे के लिए पहला और दूसरे के लिए बताओ क्या पंक्ति एक का पहला अक्षर कौन सा है, पंक्ति एक का पहला अक्षर कौन सा है, सीधे चलो सीधे चलो सीधे चलो, पंक्ति एक के पहले अक्षर के पहला कौन सा हुआ, के पहला कौन सा हुआ, से पहला कौन सा हुआ, पंक्ति एक के पहले अक्षर या ई से पहला सीधा ई से बोलो या ई से पहला कौन सा हुआ, बोलो से ई से पहला कौन सा हुआ, ई के पहला कौन सा हुआ, ई से पहला कौन सा हुआ, ई के पहला कौन सा हुआ, इन दोनों का मतलब एक एक ही है, सब का मालिक एक एक ही है और बात समझ में आ रही क्या, बात समझ में आ रही क्या, चलो भैया उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ इन बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपके 5-7 दिन बाद में बहुत काम आने और मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर बाद जो लैब में जाओगे तो वहाँ भी बहुत काम आएंगे, छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए आप यहाँ आए हो कि आपको लगना चाहिए कि नहीं सर में काम की बात मिल रही है, बेटा लगेगा तो कितना तो इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट रहेंगे आपके तो कुछ मना नहीं परंतु थोड़ा सा मैं और मेरे मन में बहुत सारे किसी से वो दिखा दो आपको पहले क्योंकि पहले मेरे मन की पूरी होती है प्रास तो आपके मन की निकाले सही है भाई मेरे मन में तो पूरी होगी पहले मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर यहीं आजकल अभी काफी कहीं जाना नहीं है अगर कुछ लगेगी सर बाद में पूछेंगे तो बाद में नोट नहीं कर सकते हुए सर अगर भूल जाएंगे सर तो आप नोट कर लेंगे पहले मैं बता दो एक बार चलो हाँ तो ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ अच्छा सुनो यहाँ पर पहले अक्षर के लिए दोनों का मतलब क्या था पहले अक्षर के लिए दोनों का मतलब क्या था लेकिन भाइयों ये पहले की बात थी बात दूसरे की आती तो समझना और से ध्यान से सुनना किस बात आती बात समझना यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा था ई के पहला कौन सा ई से पहला कौन सा ई अब सुनना ई से दूसरा ई के दूसरा ई के दूसरा कौन सा होगा इसको छोड़ दो एक और ई के दूसरा कौन सा होगा एक और सुनो ई के दूसरा कौन सा होगा एक और बहुत बोलो से ई के दूसरा कौन सा होगा एक और आया दोस्त
करना समझा नहीं रहा हूँ, मैं एक्सपेल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको एरर लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या, और मैं वही बात बता रहा हूँ आप सभी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं आपको अभी और भी बाकी पिक्चर क्लियर कैसे, क्योंकि अभी आपके पहला हुआ दूसरा और अब चौथा पांच और पांच और छठा सातवां में कोई परिवर्तन है सिर्फ पहले और दूसरे में समझना किसने लेकिन पंक्ति और स्तंभ और पिक्चर में भी समझ बता दो
चलो ऑनलाइन हो रही है, हो रही क्या? अरे बहुत बड़ी फ्री करते हैं तो सर इतने बड़े आ जाते हैं भाई, कुछ नहीं है। मैं बताऊँ उसका भी राज का भी सोल्यूशन है, अंदर तक बने रहना बस, सभी का सोल्यूशन है। तो ना ये पाँच पाँच लाइन हम आपको कैसे करेंगे, दस दस लाख कैसे इनका तोड़ दें, सब बीमार का इलाज है बस, डॉक्टर बढ़िया भैया डॉक्टर बाकी इलाज सकेगा। अच्छा बात सुनो, एक बात और बता रहा था, यहाँ जो कंडीशन है आपको ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि स्तंभ तीन के, स्तंभ तीन के तीस रिएक्शन के वामावर्त दिशा में, के वामावर्त दिशा में दो रिएक्शन, के वामावर्त घुमा हो, के वामावर्त दिशा में दो रिएक्शन, पहले कोई रिएक्शन के ठीक ऊपर, के निकलने का, के निकलने का ठीक ऊपर अंतिम अक्षर के टीम ऊपर दूसरा, के टीम ऊपर दूसरा अक्षर के ऊपर सबसे ऊपर के दायां नीचे के नीचे सबसे नीचे ये विकर्ण का अंतिम अक्षर के सबसे नीचे के ऊपर के ऊपर के सबसे ऊपर के दक्षिणावर्त दिशा में दूसरा के दक्षिणावर्त दिशा में के दक्षिणावर्त दिशा में दूसरा अक्षर अक्षर के ठीक नीचे के सबसे नीचे के अक्षर के ऊपर का कौन सा अक्षर सत्य के आप तो उंगली करने का आदत है साथ के साथ समय बचे समय जगा सकते ऐसे पकड़ना चुप नहीं मत चलते और जिसको अगर ये उंगली की आदत नहीं पड़ी तो उसको नहीं बस बस उसको नजर की आदत तो उससे ज्यादा तो कुछ बढ़िया होगी लेकिन इसकी बड़ी इतने से उंगली से बढ़िया आदत तो करते हैं कंसर्ट है क्या? कंसर्ट है
छोटी छोटी बातें परंतु मोटी बातें जो आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक है। क्योंकि देखना बच्चे भैया एक एक चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बता दू आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता कि पूरी तालिका के वामावर दिशा के सबसे बड़े विकल्प अब वामावर कुछ दस दिए हैं ध्यान देना उसके वर्ड बोल दिया वामावर दिशा के वामावर मतलब राइट मतलब वामावर दिशा की धन्यवाद वामावर दिया जाएगा मैं दिखा था पहले यहाँ दक्षिणावर्त दिखा था पहले दया मतलब दया दया से बताया था दक्षिणा अच्छा यहाँ नहीं बताया था यहाँ बताया था ओके डॉट में चलो दक्षिणावर्त क्या हुआ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनना बात को चलो अच्छी बात है मैं आपको तो यहाँ पर वामावर्त दिशा के अंतिम अक्षर क्या अंतिम अक्षर वामावर्त पंक्ति एक के सबसे अंतिम अक्षर या वामावर्त दिशा के अंतिम अक्षर बोलते हैं आपने एक पूछा था कि वामावर्त दिशा के अंतिम अक्षर के विकर्ण का पहला अक्षर इसके लिए के विकर्ण का पहला अक्षर के विकर्ण का पहला अक्षर के ठीक नीचे के सबसे नीचे नीचे के सबसे नीचे के वामावर्त अब दाएं में दक्षिणावर्त नहीं आएगा अब किसमें आएगा के सबसे नीचे के सबसे ऊपर के अंतिम में किस दिशा में वामावर्त दिशा में के ठीक नीचे नीचे के नीचे के नीचे के सबसे छोटे विकर्ण के सबसे छोटे विकर्ण है के नीचे के ऊपर का अक्षर कौन सा के नीचे के ऊपर साथ के साथ चलना तो समझ में आ रहा होगा साथ के साथ चलना बोलने के साथ साथ तो समझ में आ रहा होगा ना तो इसका मतलब कौन सा लगा लेकिन सीधा सीधा ही पूछ रहा पूरी तालिका के चारों सबसे छोटे विकर्णों में चारों सबसे छोटे विकर्णों में दाएं ओर या दक्षिणावर्त के ऊपर के छोटे विकर्ण के नीचे का अक्षर कौन सा होगा समझ गए क्या बात नहीं समझा पूरे पहले छोटे विकर्ण तो क्लियर हो जाए ये तो छोटे विकर्ण सही है क्या सबसे छोटे विकर्ण के दक्षिणावर्त के ऊपर का दक्षिणावर्त में दो एक नीचे करेंगे दक्षिणावर्त के ऊपर के विकर्ण के ऊपर के नीचे का अक्षर कौन सा दोबारा पूछो देखो ये तो सीधा तरीका क्योंकि पूरा पूरी तालिका के सबसे छोटे विकर्ण में वामावर्त या दक्षिणावर्त क्या है दक्षिणावर्त के ऊपर नीचे का अक्षर कौन सा अब समझ गए ना समझ गए ना तो विकर्ण वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे परंतु कभी कभी यूं पूछा जाता है कि विकर्ण को एक्सचेंज करना तो दोस्तों एक बात बताऊं विकर्ण जब एक्सचेंज की बात आती है थोड़ा मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ आपको जब पूछा जाए कि पंक्ति एक और पंक्ति पांच के विकर्ण को क्या कर दिया एक्सचेंज कर दे तो ये अक्षर सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा और एक्सचेंज में हमेशा क्लॉकवाइज यूज रहेगा बोल सकोगे लेकिन दोस्तों और की बात बताऊं तो चलेगा ये विकर्ण की बात है अभी युग्म की बात है किसकी किसकी बात है युग्म का मतलब तर्क तर्क क्या होता है और कपल का मतलब तो युग्म और युग्म का मतलब तो जोड़ा और जोड़े के बिना तो जिंदगी नहीं चलती अरे जोड़े के बिना जिंदगी चलती क्या
बहुत सारे सॉस के बैठे एक बार नोक लग जाए तो जोड़ी बुला कहीं शानदार रहती है। हमने ठान रखी है क्योंकि बहुत सारे किसी चेस्ट ऑपरेशन नहीं है, बहुत सारी उम्मीद है सालों की, है ना, बहुत सालों की मेहनत, आधी उम्र तो बिता दिया, आधी जीना चाहते बस, सही है। हमने कहा आधी तो बिता दे सर, इसी मशक्कत में आधी जीना चाहते हैं, अंतर तो उसका भी मिलेगा। Estamos hablando.